गुड आफ्टरनून क्लास। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपको पैम की न्यूमेरिकल सीट डिस्कस शेयर की गई थी, उसमें अलग अलग न्यूमेरिकल्स थे, उन्हीं न्यूमेरिकल्स के सोलूशन को डिस्कस करेंगे। तो एक के बाद एक मैं कुछ न्यूमेरिकल्स पिक कर रहा हूँ और उनके सोलूशन को डिस्कस करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल है ये 2021 में पूछा गया था। ठीक, तो सबसे पहला ये ओपैम बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो ओपैम बेस्ड न्यूमेरिकल में सबसे पहला स्टेप जो होता है ओपैम बेस्ड में, स्टेप वन में हम लोग जो अपने तरफ से जो देखेंगे सर्किट को इस तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि आइडेंटिफाई सर्किट कि ये कौन सा सर्किट है, विच काइंड ऑफ द सर्किट इट इज़। ठीक, ओपैम का ये कौन सा सर्किट है, ये आपका एम्पलीफायर है। तो एम्पलीफायर को पहचानने का तरीका ये होगा कि या तो ये इन्वर्टिंग होगा या तो ये नॉन इन्वर्टिंग होगा। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा या फिर ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा। तो जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा उसमें केवल निगेटिव वाले पर जो भी वोल्टेज लगेगा वो लगा होगा, वही नॉन इन्वर्टिंग वाले में जो भी वोल्टेज है वो नॉन इन्वर्टिंग वाले इनपुट टर्मिनल पर लगा होगा। ठीक, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। अगर हम ये समझते हैं कि नहीं ये एडर है, तो एडर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये होगा कि किसी भी इन्वर्टिंग वाले पर या नॉन इन्वर्टिंग वाले पर दो या दो से ज़्यादा इनपुट होंगे, तो उस तरीके से ये एडर सर्किट बनेगा। अगर दोनों ही इनपुट टर्मिनल्स पे अलग अलग इनपुट वोल्टेजेस रहेंगे तो ये सब्सट्रैक्टर या डिफरेंस एम्पलीफायर बनाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग सर्किट बनता जाएगा और उसके हिसाब से हम लोग पहला तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा सर्किट है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, तो अगर आप देखेंगे और अगर नहीं समझ में आता है, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है, तो वही ओपैम बेस्ड को न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका कि सबसे पहले हम ओपैम को आइडियल मानेंगे और इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल में मानेंगे इनकमिंग करंट यहाँ पर कितनी है, 0 एम्पियर 0 एम्पियर। यहाँ पर बी प्लस कितना है और फिर बी माइनस कितना है, अगर डायरेक्टली पता चल जाता है तो ठीक। और फिर कि नोडल एनालिसिस लगाएंगे इनपुट वाले टर्मिनल पर और फिर आउटपुट वाले टर्मिनल पर भी। तो इस तरीके से हम लोग स्टेप्स को फॉलोअप करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो यहाँ पर स्टेप आपका दिया हुआ है कि ये वी आउटपुट, तो वी आउटपुट देखिए कैसे बनेगा। तो इसमें देखिए सबसे पहला यहाँ पर अगर हम लोग ये वी वन दिया हुआ है, ये वी टू दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले एक तो आप स्टेप से लगा सकते हो, या फिर अगर आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये कौन सा सर्किट है, तो ये सीधे से इन्वर्टिंग एडर सर्किट है क्योंकि जो भी इनपुट है वो इन्वर्टिंग वाले पर लगा हुआ है। माइनस ऑफ आर एफ बाई आर वन वी वन और फिर माइनस ऑफ आर एफ बाई आर टू इंटू वी टू। डायरेक्टली इस फार्मूले में हम लोग रख करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। आर एफ की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है, आर एफ की वैल्यू दी हुआ है -10 किलो। ठीक है, 10 किलो। और यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है आर वन की, दैट इज़ 1 किलो। ठीक है, वी वन की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है, 0.2 दी हुई है माइनस ऑफ। ठीक, आर एफ की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है, 10 किलो दी हुई है। और फिर यहाँ पर R2 की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है, R2 की वैल्यू दी हुई है 1 किलो। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है दैट इज इक्वल्स टू 0.5। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर -10 -10 दोनों का आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, दिस विल बिकम -2। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम -5। तो इस तरीके से जो आउटपुट पर वोल्टेज आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू -7 वोल्ट। तो आपका आउटपुट आ जाएगा -7 वोल्ट। ठीक है, दिस विल बिकम वी आउटपुट। फिर उसके बाद अगर आप इस पर्टिकुलर सर्किट को देखोगे तो आप इस सर्किट को आइडेंटिफाई करिए, केवल एक ही इनपुट वाले टर्मिनल पर लगा हुआ है, दैट इज इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर लगा हुआ है। नॉन इन्वर्टिंग वाला शॉर्टेड है, ग्राउंडेड है। तो इन्वर्टिंग वाले इनपुट टर्मिनल पर देखिए आपका वोल्टेज लगा हुआ है। ठीक है, इन्वर्टिंग वाले इनपुट टर्मिनल पर आपका वोल्टेज सप्लाई लगा हुआ है। ठीक, तो नॉन इन्वर्टिंग वाला ग्राउंडेड है। तो आपका यहाँ पर जो वी आउटपुट आएगा तो एक तरीके से इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो इस केस में वी आउटपुट जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर एफ बाई आर इनपुट इंटू वी इनपुट, माइनस ऑफ आर एफ बाई आर इनपुट इंटू वी इनपुट। ठीक है, तो माइनस ऑफ आर एफ, आर एफ की वैल्यू बताइए कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 200 किलो ओम। ठीक है, आर इनपुट की वैल्यू बताइए कितनी है, 2 किलो ओम। डिवाइड बाई वी इनपुट की वैल्यू बताइए कितनी है, 80 माइक्रो वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे सो दिस विल बिकम 8000 माइक्रो वोल्ट। सो 8000 माइक्रो वोल्ट दैट विल बिकम माइनस ऑफ 8
मिली वोल्ट। ओके, तो इस तरीके के दो क्वेश्चन आपके 2021 में आए हुए थे, बहुत ईजी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक, अब ये देखिए, ये वाला कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इसके पिछले ईयर में आया हुआ था। अब आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या ये जो कौन सा एम्पलीफायर है, तो ये पहली बात तो एम्पलीफायर नहीं है, बिकॉज दोनों ही इनपुट पे दिया हुआ है और एडर भी नहीं है, और सब्सट्रैक्टर में कौन सा सब्सट्रैक्टर है, बिकॉज एडर पे एक ही टर्मिनल पे दोनों पे दे देता है। ठीक है, चाहे इन्वर्टिंग वाले पे दोनों इनपुट रहेगा, चाहे नॉन इन्वर्टिंग वाले पे दोनों इनपुट रहेगा। ठीक है, अब देखिए सब्सट्रैक्टर है कि नहीं, तो सब्सट्रैक्टर है कि नहीं, आप बैलेंस्ड वाला है कि नहीं, तो बैलेंस्ड वाला तो नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि आर एफ बाई आर इनपुट अगर आप निकालोगे तो 300 डिवाइडेड बाई 150 दैट विल बिकम 2 एंड 10 डिवाइडेड बाई 10 दैट विल बिकम 1, तो ये बैलेंस्ड तो नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर या तो फार्मूला रटा हो या तो हम लोग स्टेप फॉलो करेंगे। तो स्टेप वन में आपका क्या दिखेगा, स्टेप वन में आप सबसे पहले ये बताओगे कि स्टेप वन में हमने माना ओप एम्प इज़ आइडियल। ठीक है, आप ये मानोगे कि ओप एम्प इज़ आइडियल, आपने मान लिया कि ओप एम्प जो है वो आइडियल है। ठीक है, ओप एम्प के आइडियल होते ही सबसे पहली कंडीशन जो आएगी, वेरी फर्स्ट कंडीशन, कि भैया कोई भी इनकमिंग करेंट आई माइनस इज इक्वल्स टू आई प्लस दैट विल बी इक्वल्स टू 0 एम्पियर। ठीक है, और दूसरी कंडीशन जो आएगी दैट विल बिकम वी माइनस इज इक्वल्स टू वी प्लस, ई माइनस और वी प्लस की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी। ठीक है ना, आई माइनस की वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 एम्पियर हो जाएगी और यहाँ पर 0 एम्पियर हो जाएगी, कोई भी करंट यहाँ से आपकी इन नहीं करेगी। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये आपका वी माइनस हो गया और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया वी प्लस। ठीक है, अब बताइए यहाँ से जो करंट होगी दैट विल बी इक्वल्स टू आई वन और यहाँ पर जो करंट जाएगी दैट इज इक्वल्स टू आई टू। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जो करंट आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू आई वन और यहाँ पर जो करंट जाएगी आई थ्री और यहाँ पर जो करंट जाएगी आप इसे कह सकते हो आई फोर। इस तरीके से हमने नोमेनक्लेचर कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, वी प्लस पता करना है। तो वी प्लस पता करने के लिए हम लोग इस वाले सर्किट को लेंगे। तो स्टेप टू में आप क्या पता करते हो, स्टेप टू में आप वी प्लस की वैल्यू पता करते हो और वहाँ से आप वी प्लस की वैल्यू एंड वी माइनस की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हो। वी प्लस इज इक्वल्स टू वी माइनस, तो ये क्या होगा, तो सबसे पहले आप वी प्लस वाले को लिखोगे। तो वी प्लस वाले में देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका 10 किलो ओम हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए ये क्या हो गया आपका 10 किलो ओम हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये कितना वोल्ट है, दिस इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी करंट नहीं आएगी, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्वल्स टू वी प्लस, ये आपका आई थ्री हो जाएगा एंड दैट विल इज इक्वल टू आई फोर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस वी प्लस डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू वी प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10, ये दोनों के दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा बताइए, दिस विल बिकम 2V प्लस इज इक्वल टू 1। सो नाउ हियर वी कैन राइट इट डाउन एज V प्लस इज इक्वल टू 0.5। तो V प्लस की जो वैल्यू है वही इक्वल हो जाएगी किसके, V माइनस के। V प्लस की वैल्यू V माइनस के इक्वल हो जाएगी, तो जो 0.5 वोल्ट है वो आपका V प्लस पे भी रहेगा और V माइनस पर भी रहेगा। ठीक है, अब आपको जो स्टेप थ्री में जो लास्ट वाले में नोडल एनालिसिस लगाना रहता है वो लास्ट वाले में आप यहाँ पर लगाओगे। ठीक है ना, आई वन इज इक्वल टू आई टू लगेगा, तो आई वन विल बी इक्वल टू आई टू। तो आई वन इज इक्वल टू आई टू मतलब यहाँ पर बताइए क्या आ जाएगा, टू माइनस, सो नाउ हियर इट विल बिकम टू माइनस वी प्लस वी माइनस, वी माइनस इज इक्वल टू 0.5, टू माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 150 इज इक्वल टू हाउ मच, इट विल बिकम 0.5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 300 किलो ओम, तो 300। ओके, नाउ दिस विल बिकम हाउ मच, अच्छा ये आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा वी आउटपुट। ओके, सो नाउ दिस विल बिकम 1 2, सो नाउ दिस विल बिकम 1.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 0.5 माइनस वी आउटपुट। ओके, इस तरीके से आपका यहाँ पर वी आउटपुट इक्वल्स टू क्या जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू 0.5 माइनस वी आउटपुट। सो नाउ हियर वी विल गेट वी आउटपुट टू बी इक्वल टू 3 माइनस 0.5, सो दिस विल बिकम 2.5 वोल्ट। सो यहाँ पर आपका वी आउटपुट आ गया माइनस 2.5 वोल्ट। ओके, बिकॉज वी आउटपुट हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी दिस विल बिकम माइनस एंड दिस विल बिकम प्लस, सो दिस विल बिकम माइनस 2.5 वोल्ट।
ओके फिर एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप इस सर्किट को फिर से आइडेंटिफाई करेंगे तो नाउ दिस सर्किट इज़ अगेन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है ना, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ये, इन्वर्टिंग एडर है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नहीं है क्योंकि दो दो इनपुट लगे हुए हैं, एक आपका वी वन लगा हुआ है और दूसरा आपका वी टू लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वही वी आउटपुट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ आर एफ बाई आर इनपुट दैट इज इक्वल टू आर वन इंटू वी वन, फिर माइनस ऑफ आर एफ बाई आर टू इंटू वी टू, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ आर एफ बाई आर वन, सो नाउ दिस विल बिकम माइनस ऑफ आर एफ, आर एफ की वैल्यू बताइए कितनी है, 470 किलो डिवाइडेड बाई आर वन दैट इज इक्वल टू 47 किलो इंटू वी वन, वी वन की वैल्यू दिया हुआ है 40 मिली वोल्ट टेन टू द पावर ऑफ माइनस 3, ठीक है। फिर माइनस ऑफ आर एफ, आर एफ इज इक्वल टू अगेन दिया हुआ है 470 डिवाइडेड बाई 12 किलो किलो दोनों हैं, तो यहाँ पर किलो किलो दोनों हैं, ठीक है, इंटू यहाँ पर वी टू की वैल्यू बताइए कितनी दिया हुआ है, वी टू इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 20 मिली, तो 20 इंटू टेन टू द पावर ऑफ माइनस 3, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाउ यू विल गेट माइनस ऑफ 400 इंटू टेन टू द पावर ऑफ माइनस 3, फिर माइनस ऑफ 470 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 12 इंटू टेन टू द पावर ऑफ माइनस 3, इस तरीके से आपका जो भी आउटपुट आएगा आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक, ये हो गया आपका, ठीक। अब ये देखिए ये प्रॉब्लम देखिए, इसमें आपका आपको बताना है कि भैया यहाँ पर वी आउटपुट क्या होगा, व्हाट विल बी वी आउटपुट हियर, ठीक। तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर सर्किट आपका लगा हुआ है वहाँ पर 330 किलो ओम है, ये 33 किलो ओम है, इन्वर्टिंग वाले पर लगा हुआ है 12 मिली वोल्ट, तो यहाँ पर अगर आप इसको वहाँ पर वी आउटपुट 1 मान लिए तो नाउ वी आउटपुट 1 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 330 डिवाइडेड बाई 33 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3, ओके। सो नाउ हियर वी विल गेट आउटपुट टू बी माइनस ऑफ 120 मिली वोल्ट, सो यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया माइनस ऑफ 120 मिली वोल्ट, यहाँ पे 18 मिली वोल्ट दिया हुआ है, ये 47 दिया हुआ है, 47 दिया फोर, ये 470 दिया हुआ है, यहाँ पर अब आपको वी आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो नाउ वी आउटपुट विल बी इक्वल टू 470, ये एडर है, इन्वर्टिंग एडर है, तो आप पहले क्या लगा दीजिए, आप माइनस लगा दीजिए, ठीक है। सो नाउ यर विल हैव माइनस फिर 470 डिवाइडेड बाई 47, ठीक है, इंटू वी आउटपुट 1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 120, ठीक है, फिर माइनस ऑफ फिर 470 डिवाइडेड बाई हाउ मच डिवाइडेड बाई 47 इंटू 18, सो नाउ दिस विल बिकम हाउ मच, दिस विल बिकम माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस ऑफ 1200, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ 180, सो नाउ दिस विल बिकम हाउ मच 1020 मिली वोल्ट, सो नाउ दिस विल बिकम 1020 मिली वोल्ट इज द आउटपुट, ओके। फिर ऐसे ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, अगर आप इस प्रॉब्लम को देखिए तो एक तरीके से आपसे फिर से आउटपुट पूछ रहा है कि क्या होगा आउटपुट, ठीक है, यहाँ पर 10 किलो ओम दिया हुआ है, यहाँ पर 5 किलो ओम दिया हुआ है, फिर यहाँ पर 5 किलो ओम दिया हुआ है और यहाँ पर 1 किलो ओम दिया हुआ है, ठीक। तो फिर से आपको यही करना होगा कि फिर से आप अनबैलेंस बाई स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लगा करके आप ये आउटपुट को कैलकुलेट करोगे, एक फार्मूला आएगा, ठीक। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें फिर से इन्वर्टिंग एडर वाला आपका फार्मूला लगेगा और इन्वर्टिंग एडर वाले फार्मूले से आप फिर कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या आउटपुट आएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये जो भी प्रॉब्लम्स जो भी प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं ओपैम बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस वीडियो में आपको साथ डिस्कस की गई, होपफुली आपको समझ में आया होगा।